ओम शांति, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD नंबर 3660, मॉर्निंग क्लास डेटेड 15/11/1968, क्लैरिफाइड ऑन 3/7/2021। क्लास चल रहा था 15/11/1968। The morning class dated 15/11/1968 was going on. We were discussing the topic in the beginning of the middle part of the third page. The unlimited father, the father of the souls, is very pure. और फिर हम बच्चे जिनमें बाप प्रवेश करते हैं। And then we children whom the father enters, और प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश करते हैं। And he enters us in a visible form. ऐसे बाप की तो बात ही छोड़ो, अति पवित्र। जस्ट लीव द टॉपिक ऑफ सच फादर, ही इज एक्सट्रीमली प्योर। उनकी भी गिलानी जाती है कुत्ते में, बिल्ली में, छींछी में, टिक्कर। दे डिफेम इवन हिम सेइंग ही इज प्रेजेंट इन डॉग्स, इन कैट्स, इन डर्ट, इन टिक्कर, मीनिंग अ लंप ऑफ सॉइल। कितने डर्टी ब्रूट्स हैं। दे आर सच डर्टी ब्रूट्स। ब्रूट्स भी बात नहीं करे ना। जस्ट डोंट आस्क अबाउट ब्रूट्स। तो वो तो छूटे हुए हैं ना। इसको भी कहने का। सो दे आर फ्री टू से एनीथिंग, aren't they? मनुष्य तो कह देती है ना कि बाबा ठिकर मित्र कुत्ते बिल्ली। पीपल से डोंट दे, बाबा इज प्रेजेंट इन ठिकर बेहतर इन डॉग्स एंड कैट्स। वो मनुष्य कितना डिफेम करते हैं। पीपल डिफेम हिम सो मच। वो भी किसको, हाईएस्ट अथॉरिटी। That too, who do they defame? The highest authority. अपने ऊपर जैसे कि अभी जबकि बाप आकर के समझाते हैं कि बड़ी नफरत आती है कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। So when the father comes and explains, it is like they develop a lot of hatred for themselves, thinking we become what from what. क्योंकि अभी तो तुम ही जानते हो ना ये ज्ञान और ये सभी बातें तुम सुनते हो, देखते हो। It is because now you alone know this knowledge. You listen and see everything. तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट दूसरा कोई को मालूम नहीं। No one else knows your aim object. कोई भी क्लास में, कोई भी सत्संग में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो, कोई भी ऐसे एम ऑब्जेक्ट कहाँ भी नहीं दिखलाई सकते। It may be any class, any satsang, any university or any place. No one can show you such an aim object anywhere. Neither can they show it to you, nor can they explain it. As for the rest, there are many pictures. Hmm.
जाती है तो कोई कहेंगे क्या, ये ब्राह्मण कहेंगे क्या? When you go there, people will ask, what is this? The Brahmins will say, what is this? ये है महाब्जेक्ट, जिसे है महाब्जेक्ट को तुम मत्था टेकते हो। This is the aim object in front of which you bow your head. परंतु तुम बच्चे तो बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं मत्था टेकते हो। But you children don't. You don't bow your head at all. क्योंकि अभी तो तुम बच्चे जान गए हो ना, ओहो, पहले तो हम कैसे थे? और हमारे में कैसे कचरा पड़ता गया? It is because now you children have come to know, haven't you? Oh ho, how we were earlier and how garbage kept accumulating in us. पहले दो कला, फिर चार कला, फिर ये सभी कचरा ही पड़े हैं टोकरी में। First two celestial degrees, then four celestial degrees. All this garbage has accumulated in the basket. The intellect is like a basket, isn't it? इसलिए देखो, बस नाम ही पड़ जाता है इतना कचरे के कारण तमोगुण टोकरी। This is why look, because of having so much of garbage. The very name given to it is the Tamopradhan basket. Then, what is the result? They certainly keep insulting each other. कोई लोभ में जल मरते हैं, कोई मोह में जल मरते हैं, कोई क्रोध में जल मरते हैं. Some die burning in the fire of greed, some die burning in the fire of attachment, and some die burning in the fire of anger. They die in this way, don't they, children? Marna hai. You have to die. उसी अवस्था में फिर जल जल करके मर जाना. You have to burn and die in that very stage. और मरना कैसे? And how should you die? आत्मा को शरीर कैसे छोड़ना? How should a soul leave the body? बिल्कुल याद करके शिव बाबा को याद. शिव बाबा इनको भी ऐसा बनाते हैं. It should leave the body in the remembrance of Shiv Baba, who makes even these ones इनको into this. किनको? किनको ऐसा बनाते हैं? Who does he make into this? इनको माना बहुवचन में बोला है, इसको नहीं बोला. इनको मीन्स ही सेड इट इन प्लूरल, ही डिडंट से इसको, दैट इज दिस वन इन सिंगुलर. शिव बाबा इनको भी ऐसा बनाते, और भी किसके लिए लगाए, माने कोई और भी. शिव बाबा मेक्स even these ones into this. For whom did he add even? It means there is someone else as well. लक्ष्मी नारायण को भी बनाते हैं, और फिर सतयुग के जो कलाबद्ध 16 कला संपूर्ण नारायण है उनको भी बनाते. He makes these लक्ष्मी नारायण as well as to the कलाबद्ध नारायण of the golden age, who is complete with 16 celestial degrees, into that.
ऐसे बनाते हैं ना। He makes them this, doesn't he? अरे इनको ऐसा किसने बनाया? Now, who made them into this? तो कहेंगे ना कि बरोबर बाबा ने बनाया। They will say, won't they? Certainly, Baba has made them into that. और अभी ऐसा हम भी बन रहे हैं। And we are also becoming the same now. जब ऐसा बन रहे हैं, तो अपने ऊपर फिर कितनी खबरदारी रहनी चाहिए? When you are becoming this, you should be very careful. इतनी खबरदारी रहनी चाहिए तो कर्मण में तो क्या, वाचा में तो क्या, लेकिन थाट में, बुद्धि में भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। You should be so careful that leave the question of actions and speech, but any of such thing shouldn't come even in your thoughts or intellect. यानी आएंगे भी भले जरूर। It means it will definitely come. से जैसे वो हनुमान का लिखा हुआ है ना। For example, it is written for Hanuman, isn't it? तूफान बहुत आएंगे। Many storms will come. यही मनसा के तूफान, वाचा में, कर्म में। They will come in the mind, speech and actions. अब कोई तूफान भूफान दूसरा नहीं है। Well, storms etc. aren't something else. तो रामायण में दिखलाते हैं कि हनुमान माना भी महावीर। So, it is shown in Ramayana, Hanuman means Mahavir. Hanuman ko koi bandar bandar nahi dikhlaya. They didn't show Hanuman as a monkey. Wo to jaise bandar misal hai, bandar. It is as if they are like monkeys. Are un bandaron se bhi badtar hai. अरे दे आर वर्स देन इवन दोज मंकीज। वो ये बात लिखा है उन्होंने बैठ कर करके, समझे? दे हैव रिटन दीज थिंग्स इन द स्क्रिप्चर्स, यू डिड अंडरस्टैंड, डिडंट यू? ये तो बात है, गपोड़ा है ना। नाउ ऑल दीज आर बेसलेस टॉक्स, aren't they? और फिर कहते हैं कि भगवान ने बैठ करके ये शास्त्र बनाए। Then they say, God sat and made these scriptures. अरे देवराई धर्म पिताएं भी बैठ करके शास्त्र नहीं बनाते। अरे इवन द बॉडीली रिलीजियस फादर्स डोंट सिट एंड मेक स्क्रिप्चर्स। कि भाई इब्राहिम ने या मोहम्मद ने कुरान लिखी हो या क्राइस्ट ने बाइबल लिखी हो। इट इजंट दैट इब्राहिम और मोहम्मद रोट द कुरान और क्राइस्ट रोट द बाइबल। भगवान तो बैठ करके तुमको सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं ना। इन फैक्ट God sits and explains to you the essence of all the Vedas, books and scriptures, doesn't he? खुद तो नहीं बैठ कर के लिखते हैं ना? He doesn't sit and write them himself, does he? अरे भगवान बैठ करके ये कचरा बनाते हैं। अरे will God sit and make this garbage?
कचरे को सुनने से पढ़ने से तुम्हारी दुर्गति होती है। If you hear or read this garbage, you attain degradation. नहीं नहीं, ये तो रावण रूपी बुद्धि को ही मिलती है जिसको अनेक मतों की बुद्धि, तो अनेक सिर रावण को दिखाए जाते हैं ना। No, the one who has a Ravan-like intellect, the intellect with many opinions, so Ravan is shown with many heads, isn't he? वो सब mixed हो जाती है। They have mixed up everything. जिसको फिर ये भारतवासी भगवान कह देते। These Bharatvasis call him God. रावण की मत को। They call the opinion of Ravan God. भगवान ने ऐसे, भगवान ने सदगति की। They say that God did this. He brought about सदगति। और व्यास को, जिसको फिर भगवान कहते हैं ना, उसने दुर्गति की। And Vyas, whom they call God, brought about degradation. कैसे दुर्गति की? How did he bring about degradation? ये सब शास्त्र और ये ग्रंथ वगैरह बनाए बनाए करके। By writing all these scriptures, books, etc. अब ये वेद शास्त्र ग्रंथ है, ये तो दाढ़ी मूंछ वाले मनुष्य, ऋषि मुनि मनुष्य ही थे ना। Now, the human beings with a beard and a mustache have made these Vedas, scriptures and books. The sages and saints were certainly human beings, weren't they? दाढ़ी मूंछ तो विकारी मनुष्य होती है। Vicious human beings have a beard and mustache. मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना बच्चे। So, those human beings themselves have made them, haven't they children? देवताओं को तो दाढ़ी मूंछ नहीं होती है, वो तो निर्विकारी होती। The deities certainly don't have a beard and mustache. They are viceless. भगवान को तो दाढ़ी मूंछ की तो बात ही नहीं। There is no question of God having a beard and mustache at all. अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ। You children have come to know it now. बाप कहते हैं, hear no evil. The father says, hear no evil. सब मनुष्यों की बताई बनाई हुई विकारी मनुष्यों की बातें। The vicious human beings have made all these things. क्या? Evil. What? They are evil. सभी जो शास्त्रों का भूसा भरा हुआ है ना, वो सुन ले। You listen to all the scriptures that are full of husk. ये वेद शास्त्र कृष्ण का ग्रंथ है। पढ़ने से, इनको सुनने से, सुनाने से कोई भी ऊंचे नहीं बन सकते। No one can become high by reading, listening or narrating the Vedas, scriptures, Upanishads and books. नहीं, अरे इनसे मेरे को कोई प्राप्त नहीं हो सकते हैं। No, अरे no one can attain me through them. बल्कि मैं तो अलग होता हूं। मैं तो दूर होता जाता हूं। In reality, I go far away. I keep going far from them. जितना जितना ये शास्त्रों में मिक्सरिटी करते जाते हैं, मैं तो दूर होता जाता हूं। The more they mix things in the scriptures,
आई गो फार अवे टू दैट एक्सटेंट. मिक्सुअलिटी माने भी विचार. मिक्सिंग थिंग्स इज अडल्ट्रेशन. देखो दूर हो गया ना बच्चे. लुक ही वेंट फार अवे डिडंट ही चाइल्ड. कितना दूर हो गया कि कोई भी उनको नहीं पहचानते. ही वेंट सो फार दैट नो वन रिकॉग्नाइजेस हिम. क्योंकि सर्वव्यापी के अक्षर से तो कोई भी नहीं पहचान सके बिल्कुल ही कि भाई कोई भी अलग का बात है. बिकॉज ऑफ द वर्ड ओमनीप्रेजेंट नो वन कैन रिकॉग्नाइज हिम. They can absolutely not recognize that he is the unlimited father. किसको भी बच्चे याद रख देना. Children, remember this too. जानते हैं कि किसका प्यार है. कौन मेरी सर्विस करते हैं, कौन कल्याणकारी है. He, that is the father knows, who has love for him, who does his service, and who are beneficial. जो कल्याणकारी हैं, वो औरों की भी सर्विस करते हैं. Those who are beneficial, they also serve others. पहचान है कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चों. इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियल चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियल फादर. बाकी तो स्वार्थ में लगे रहते हैं. रेस्ट ऑफ द सोल्स आर जस्ट एंगेज्ड इन सेल्फिशनेस. और जो सर्विस करते हैं ईश्वरीय सेवा दिल पर तो वो ही चढ़ेंगे ना. बट दोज हु डू सर्विस द ईश्वरीय सेवा मीनिंग सर्विस देमसेल्व्स विल विन द हार्ट वोंट दे. तो ऐसे ही ये सारी दुनिया है ना इस समय. नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज द सेम इजंट इट. इस समय में तो सभी अकल्याणकारी है ना. एवरीवन इज सर्टेनली हार्मफुल नाउ aren't they. सब स्वार्थी. एवरीवन इज सेल्फिश. और शरीर तो ऐसे ही है. एंड द बॉडी इज जस्ट लाइक दैट. इसलिए कहते हैं कि बच्चे अब ये बेहद का संन्यास करो. दिस इज why ही says, चिल्ड्रन प्रैक्टिस द अनलिमिटेड रिनन्सिएशन नाउ. वो हद का संन्यास की बात नहीं है. इट इजंट अबाउट द लिमिटेड रिनन्सिएशन. जो भी बेहद के ये शरीर वगैरह जो कुछ भी देखते हो इन आंखों से. This unlimited body, etc. Whatever you see through these eyes. बच्चों को आत्मा का ज्ञान तो मिल गया ना. It is because children have certainly received the knowledge of the soul, haven't they? कि आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है. The soul itself is imperishable. The body is certainly perishable. जन्म जन्मांतर की देह विनाशी है ना. द बॉडी हैज बीन पेरिशेबल इन एवरी बर्थ हैजंट इट. परंतु जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो फिर भी तो अपन को समझो कि हम तो आत्मा है. जो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देती शरीर की आंखों से. बट वॉट एवर यू सी थ्रू दीज आईज डिस्पाइट सीइंग इट consider yourself as a soul that certainly isn't visible through these eyes, through the physical eyes.
और फिर अपने शरीर को तो देखो। एंड देन एट लीस्ट लुक एट योर बॉडी। कितना तमोपधान, एकदम डर्टी। आत्मा भले शुद्ध बनी, इट हैज बिकम वेरी तमोप्रधान, कंप्लीटली डर्टी। नो मैटर इफ द सोल हैज बिकम प्योर। तो ये तो तुम बात समझते हैं कौन सी आत्मा है जो शुद्ध बनती है। यू द फादर एक्सप्लेन्स विच सोल्स बिकम प्योर। उनकी एक्टिविटी कैसी होती है। How are their activities? रात दिन का फर्क। There is a difference of day and night. Activity में फर्क हो जाता है ना? There is a difference in their activity, isn't there? वो क्या फर्क हो जाता है? वो बाहर बैठ करके बताते। The father sits and tells you about that difference. Fourth page of the morning class dated 15-11-1968. Just look, there is a lot of difference. तुम ही तो है ना। You yourself were that, weren't you? पहले सतयुग में कितने सत्तव प्रधान थे और तुम कलयुग के अंत में कितने तमो प्रधान बन जाते। Earlier you were very सत्व प्रधान in the golden age and you become very तमो प्रधान at the end of the iron age. तुम अभी हैं तमो प्रधान, तभी देखो फर्क देख सकते हो। You are तमोप्रधान now. Look, you can see the difference. कैरी कर सकते हो? You can tally it. तुम पहले क्या थे और अभी क्या बन गए हो और फिर अभी तुमको क्या बनने का है? What were you earlier? What have you become now? And then, what do you have to become now? और जो तुमको बनने का है, वो सत्व प्रधान बनने के लिए तुमको कितनी पूरी समझ चाहिए? And you need complete knowledge in order to become सत्व प्रधान. अरे सत्व प्रधान तो क्या एकदम बाप समान। अरे नॉट जस्ट सत्व प्रधान, यू बिकम कंप्लीटली इक्वल टू द फादर। कौन सी बाप समान? इक्वल टू विच फादर? सुप्रीम सोल, सदा कल्याणकारी है। The supreme soul who is forever beneficial. वो तो सदा कल्याणकारी है। He is forever beneficial. जिनको आप समान बनाते हैं, सदा के लिए बनाते हैं, कि जब छोड़ के जाते हैं उस समय ही सत्व प्रधान बनता है। The one who he makes equal to himself, does he make him that forever, or does he become सत्व प्रधान? At the very time when he leaves him and goes away. Okay. सारे ग्राम में 5000 वर्ष तो प्रधान रहता है। नहीं, सदा बनता है। जिसको आप समान बना के जाते हैं। Does he stay सत्व प्रधान in the entire drama of 5000 years? No. Student replies. Does the one who he makes equal to himself before going stay सत्व प्रधान forever? देखो तुम क्या थे और क्या बन गए। So look, what you were and what have you become? तो ऐसा बनने के लिए पूरी समझानी चाहिए। You need the complete knowledge to
टू बिकम दिस। और अच्छी तरह से कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। एंड यू शुड फॉलो द श्रीमत सो नाइसली। ये जो आत्मा में संग के रंग का गंध पड़ा हुआ है ना, डर्टी, देयर इज द डर्ट ऑफ द कलर ऑफ कंपनी इन द सोल, इजंट देयर, इट इज डर्टी। डर्ट पड़ी हुई है ना, विकारों की, देह अभिमानी की मिट्टी पड़ी हुई है ना। देयर इज डर्ट इन इट, इजंट देयर। There is the mud of vices and body consciousness in it, isn't there? उस देवान की मुट्ठी को कैसे छोड़ना है उन विकारों? How should you remove that mud of body consciousness and vices? अरे, एकदम तो छूटती ही नहीं है। अरे, it just doesn't come off at once. समझा? You have understood, haven't you? क्योंकि ऐसे बहुत डर्टी और किसका बच्चा होगे? कोई बाप का? बिल्कुल ही गंदा। उन क्रोधी देखते हैं ना? It is because if a father's son is very dirty, completely dirty, he, meaning the father, becomes angry, doesn't he? बच्चे छोटे होते हैं ना, उफ। Children are young, aren't they? Oh। ठिककर ठिककर पर, भित्तर भित्तर पर क्या करते हैं? चोरी थी है? छोटी छोटी सी चीजों में चोरी करने लग पड़े। What do they do with ठिककर and भित्तर? They steal things. They start stealing even small things. इतने सत्य प्रधान है, इतने कलातीत। They were so सत्व प्रधान एंड कलातीत। तो देखो ऐसे ऐसे नीचे काम करते हैं तो क्या कहेंगे, कमाल किया ना। So look, when they perform such lowly tasks, what will be said? They did wonders, didn't they? ये किया? They did that. गंध में गया, गालियां दी। They became dirty and insulted others. जो गालियां देते हैं उनकी निशानी है ना, तमो प्रधान है या सत्व प्रधान है? It is the sign of those who insult others. Are they tamo pradhan or sattva pradhan? ऐसे होते हैं ना, पीछे हो जाते। They are like this, aren't they? They become this in the end. तो वो कोई बाप के मुंह पे नहीं पड़ते हैं। They behave brashly in front of the father. हाँ, बाप एकदम तंग हो जाते। The father feels completely harassed. बाप है ना, वो देखते हैं कि इनकी आत्मा कितनी याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र होती जाती है। He is the father, isn't he? He sees to what extent does their soul stay on the journey of remembrance. And to what extent does it become pure? और फिर पवित्र होती जाती है तो देखा जाता है कि कितना औरों को भी आत्मान बनाती है, कितना ज्ञान सुनाती है। And when it becomes pure, it is observed that to what extent does it make others equal to itself and narrate the knowledge? पहले नंबर में तो है मन मना भगवती बात है ना। The number one point is मन मना भाव, isn't it?
ये मूल बात है। इट इज द मेन पॉइंट। अक्षर ही है उसमें की मन मना बम मेरे मन में हो। द वेरी वर्ड इज मन मना भव मर्ज इन माई माइंड। और फिर मध्याजी भव। एंड देन इट इज मध्याजी भव। यानी मुझे याद करोगे तो रिजल्ट क्या होगा। इट मीन्स वॉट विल बी द रिजल्ट इफ यू रिमेम्बर मी। पवित्र फूल बनोगे। You will become a pure flower. पवित्र फूल बनोगे तो जो भी करोगे वो मेरे लिए करोगे। स्वार्थ के लिए कोई सेवा नहीं करोगे फिर। When you become a pure flower, whatever you do, you will do it for me. Then you won't do any service. Out of selfish motives. Yani wo to knowledge hai na. It means this is knowledge, isn't it? Knowledge ko to number wise hi dhavan karenge na. You will certainly assimilate the knowledge number wise, won't you? Knowledge ki baat hi hai. The very subject of knowledge is different. और ये तो है ऐसे पवित्र बनने की बात। Now it is about becoming pure. देखो कितनों से पवित्र बनते। Look, they become pure through so many. ऐसे भी तो शिव बाबा सीक्रेट बात कहेगा ना। व्हाट शिव बाबा सेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे से वोंट इट। इनको शिव बाबा ने बताया। शिव बाबा हैज टोल्ड देम दिस। और जो बताया ये तो तुम जानते हो। And you certainly know what he has told them. जो जाते हैं पूजा में उन भक्तों को थोड़े ही मालूम है कि इनको ऐसा ये शिव ने बनाया। Those devotees who go to worship them don't know that Shiva has made these ones into this. लक्ष्मी नारायण को। Who? लक्ष्मी नारायण। और मंदिर में तो सब रखते हैं ना मूर्ति। And they place all kinds of idols in the temples, don't they? तो तुम बच्चे मंदिर में जाएंगे शिव को देखेंगे या यहाँ देखेंगे या ये रामचंद्र से है ना। So if you children go to temples, you will see Shiv or here you will see रामचंद्र, won't you? तो तुमों को तो मालूम है ना। You know this, don't you? शिव बाबा ने इनको ये बनाया। शिव बाबा हैज मेड हिम इनटू दिस। इनके पुरुषार्थ से ये बने। ही हैज बिकम दिस थ्रू हिज पुरुषार्थ। बताया ना। इट वाज सेड वाजंट इट।
शिव बाबा है पुरुषार्थ ही, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। शिव बाबा इज पुरुषार्थी एंड शिव बाबा इज द वन हु एनेबल्स यू टू मेक पुरुषार्थ। कहेंगे ये रामचंद्र ने कम पुरुषार्थ किया। इट विल बी सेड दैट रामचंद्र मेड लेस पुरुषार्थ। कब किया? व्हेन डिड ही मेक इट? आदि में किया, मध्य में किया या अंत में किया? डिड ही मेक इट इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल और इन द एंड? कहेंगे आज में कब पुरुषार्थ किया। इट विल बी सेड दैट ही मेड लेस पुरुषार्थ इन द बिगिनिंग। सभी सभी पहले तो बेसिक नॉलेज ही पढ़ते हैं ना, संपूर्ण नॉलेज थोड़ी कहेंगे उसे। Everyone certainly studies the basic knowledge first, don't they? That won't be called complete knowledge. रामचंद्र ने पहले पहले वो काम किया। रामचंद्र performed that task first of all. इसलिए ये बने 14 कला संपूर्ण रामचंद्र। This is why he became Ramchandra complete with 14 celestial degrees. बस। That's it. बाकी जो बाकी आए द्वापर युग में और भी कम कमाने वाले उनको तो फिर कहेंगे माया के राज्य में आए। Rest of the souls with even fewer celestial degrees who come in the copper age, they will be said to have come in the kingdom of Maya. और माया के राज्य में आए तो कहेंगे उन्होंने कुछ मेहनत ही नहीं किया। And if they come in the kingdom of Maya, it will be said that they didn't make any effort at all. बाप ने बेहद की बाप ने जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाई बाप से मिले ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। The unlimited knowledge that the unlimited father has taught, they didn't meet him at all. They didn't do anything. बेहद का बाप समझाती तो अच्छी तरह से है, सब कुछ अच्छी तरह से समझा। The unlimited father certainly explains nicely, doesn't he? He explains everything nicely. एक तो बाप को इतना कितना याद करना है। First, you have to remember the father a lot. इतना याद करना है कि जिससे ये सारी गंद निकले। You have to remember him so much that all the dirt is removed from you. और फिर जब बच्चे तुम्हारे में से ये गंद निकलता है ना, तुम्हारी तो दिल भी नहीं होती है कोई गंदे से मिलने। And children, when you are free from this dirt, you won't even wish to meet someone dirty. परंतु क्या करेंगे? But what can you do? तुम्हारी सर्विस ही ऐसी है। तुम्हारे पास जो भी आते हैं वो गंदे ही आते हैं। Your very service is such that whoever comes to you is just dirty. उन गंदों से तुमको मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। So you have to meet and speak to those dirty ones. करनी पड़ती है, माना मजबूरी है ना। You have to do it. It means it is a compulsion, isn't it? इस बात की मजबूरी। It is a compulsion of what? अरे माता पिता का पार्ट है ना। अरे it is the role of parents, isn't it? माता पिता का पार्ट क्या होता है लौकिक दुनिया में भी?
व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इवन इन द लौकिक वर्ल्ड? बच्चों की गंध साफ करते हैं ना? दे क्लीन द डर्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन, डोंट दे? तो दूर रह के साफ करेंगे क्या? सो विल दे क्लीन इट स्टेइंग फार फ्रॉम देम? संसर्ग संपर्क संबंध में आना पड़े या नहीं आना पड़े? Do they have to come in their contact, connection and relationship or not? They have to. तो जरूर बात तो करनी पड़ती है, हर तरह से. So you definitely have to speak to them in every way. तुम देखते हो बड़े बड़े गंदे भी आते हैं. You see that even very dirty ones come to you. Dirty brutes bhi aate hain. Even dirty brutes come to you. Bade bade gande kaun se hote hain? Iski tarah ishaara kiya? Who are the very dirty ones who come to you? Who did he indicate? जो अर्ध नास्तिक धर्म की है ना, ये संपूर्ण नास्तिक है ना, वो तो बड़े गंदे होते हैं. Those who belong to semi-atheist religion or those who are complete atheist are very dirty. कोई अच्छे भी आते. Some good ones also come. क्योंकि अच्छे बुरे तो सारे धर्मों में होते हैं ना. इट इज बिकॉज देर आर बोथ गुड एंड बैड इन एवरी रिलीजन, aren't there? कि अच्छे ही अच्छे होते हैं या बुरे ही बुरे होते हैं? और आर ऑल ऑफ देम जस्ट गुड एंड जस्ट बैड? मिसाल देते हैं, पांच उंगलियां एक जैसी होती हैं हाथ में क्या? नहीं. एन एग्जांपल इज गिवन. Are all the five fingers of the hand alike? No. तो जो अच्छे आते हैं, उसमें भी number wise. So the good ones who come, there are number wise even among them. अच्छे बुरे तो मनुष्य होते ही हैं ना बच्चे. There are good as well as bad people, aren't there children? भले यहाँ करके अच्छी तरह से सुनेंगे और बड़ी दिल से सुनेंगे, और जो अच्छे होंगे वो कोई भी आर्गू भी नहीं करेंगे. Though they will come there and listen to the knowledge nicely, they will listen to it wholeheartedly, and the good ones won't even argue. Argument? What does arguing mean? ये प्रश्न है, ये जवाब, ये फिर जवाब, फिर ये खान में से बाल, बाल में से खान निकालते ही चले जाए. ये ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्यों, वो क्यों? This question, this answer, then again this question, to go into finer details, meaning खाल में से बाल, बाल में से खाल निकालना. How is it like this? How is it like that? Why this? Why that? कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे. They won't argue at all. कि भाई ये बात हमको राइट नहीं लगती है. Brother, I don't feel this is right. Right देखने में नहीं आती. It doesn't seem right. ये बात राइट है, ये बात राइट नहीं. This is right and this is wrong. फैसला देने को पड़ेगा. जज बनते? They will become a judge and start giving judgment.
कभी कहेंगे आप ठीक कहते हो। समटाइम्स दे विल से व्हाट यू से इज करेक्ट। आप तो ठीक कहते हो। व्हाट यू से इज सर्टेनली करेक्ट। ऐसा भी कहते रहेंगे। दे विल ऑल्सो कीप सेइंग दिस। तुम्हारे पास तो सब तरह के आते हैं ना। सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल कम टू यू डोंट दे। किनके पास? टू होम? जो म्यूजियम में सर्विस करते हैं उनके पास। टू दोज़ हु डू सर्विस इन द म्यूजियम। जड़ा म्यूजियम हो चाहे चैतन्य चित्रों का म्यूजियम हो आते तो है ना। वेदर इट इज द फिजिकल म्यूजियम और द म्यूजियम ऑफ द लिविंग पिक्चर्स दे डू कम डोंट दे। बच्ची सर्विस का कितना शौक रहना चाहिए। डॉटर यू शुड हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्विस। नींद नहीं फिटानी। यू शुडंट बिकम हैबिचुएटेड टू स्लीप। अरे नींद नहीं करनी होती है वास्तव में। अरे एक्चुअली यू शुडंट स्लीप। एक्टर सर्विस पर है। द एक्टर्स आर ऑन सर्विस। और सर्विस होती है तो क्या नींद होती है क्या? When they are on service, do they feel sleepy? दुकानदारों की जब अच्छी दुकानदारी होती है तो कोई दुकानदार नींद करता है क्या? When a shopkeeper earns profit, does he sleep? बाकी सर्विस नहीं है तो चलो नहीं है। As for the rest, if you don't have any service, all right, you don't have it. तुम जानते हो कि बच्चे म्यूजियम में भी तुम थोड़ा टाइम रेस्ट का छोड़ते हो। Now your children know that in the museum you allow some time for rest. तीन घंटा दो घंटा तो वो लेते हैं। You certainly take 2 or 3 hours. सर्विस करते करते गला भी तो थक जाता है ना। इवन योर थ्रोट बिकम्स टायर्ड व्हाइल डूइंग सर्विस डजंट इट। और फिर भोजन भी पाना है ये करना है वो करना है। एंड देन यू हैव टू ईट फूड डू दिस एंड दैट। परंतु भोजन पाते हुए भी ऐसी अंदर में उछल आना चाहिए बस। बट यू शुड हैव सच एंथुसियाज्म विद इन इवन व्हाइल ईटिंग फूड दैट्स इट। तकरा तकरा भोजन किया और करके कोई आवे तो उनसे बात करे। यू शुड ईट फूड क्विकली एंड स्पीक टू दोज़ हू कम। खड़ा है। Someone is standing, waiting. बस गिट्टी दो गिट्टी खाई। यहाँ गिट्टी लिया। बल्कि गिट्टी एक दो न भी खावे। छोड़ करके पहले अटेंड करके पीछे खावे। You had one or two bites, or you may not even have a bite or two. You should leave it, attend him first, and then eat later. परंतु बाबा के पास ऐसे सर्विस वाले अभी तक एक भी नहीं है। कब तक? But Baba doesn't have even a single serviceable child like this until now. Till when? 1968 तक की बात बताई।
He mentioned about the period till 1968. बाद की नहीं। Isn't it about the time after that? बाद में भी ऐसे? क्यों? It is the same after that as well. Why? क्योंकि चारों युगों की हो बहु शूटिंग तो होती है ना सतो पता सतो सामान्य रह जाओ होता हूँ। It is because the accurate shooting of all the four ages takes place exactly the same way, doesn't it? Sato Pradhan, Sato Samanya, Rajo and Tamo. Samjhe na. You have understood, haven't you? Jo sune, us service wale ke liye ye kehte hain. Those who listen to it. It is said only for those who do service. जिनको head कहा जाता है. They are called heads. नहीं, उनको ही heads भी होते हैं जिनको बड़ा दे अभिमान आ जाता है. No, even some heads become very body conscious. बड़े आराम पसंद हो जाते हैं. They become very fond of comfort. बस उनको चाय भी चाहिए. That's it. They also want tea. ब्रश भी ला करके दो. They say, bring me a brush. वो मेरा ऐसे ऐसे बन जाते. They become like that. बड़े आराम पसंद हो जाते हैं। They become very fond of comfort. ओम ओम शांति।